दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट थ्री प्लेट ब्लाउज कैसे बनाते हैं। जी मैंने 70 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और इसमें से मैं 34 साइज का ब्लाउज बना रही हूँ। तो आपको बताती हूँ कम कपड़े में से बड़ा साइज का भी ब्लाउज आप बना सकते हैं, 38 इंच या 36 इंच तक का। अभी इस कपड़े को हम इस तरह से खोलेंगे और मैं इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और जो इसकी बैक नहीं ओपनिंग है मैं उसको बैक साइड रख रही हूँ, आप चाहें तो फ्रंट भी रख सकते हैं। इस तरह से सेंटर से आप फोल्ड कर लें। ब्लाउज की आगे की लंबाई है 15 इंच और मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 17 इंच ले रही हूँ। ये शोल्डर है 13 इंच। मुड्डे 7.5 इंच। ये ब्लाउज मैं बोट नेक में बना रही हूँ। जैसे कि 34 इंच है, जब मैं तैयार रखूंगी इसको तो 8.5 इंच आएगा और इसमें मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि ये प्रिंसेस कट है। 1 इंच हमारा जो सेंटर का पॉइंट होता है वहां पर स्टिचिंग चला जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा, तो इसको मैं 11.5 इंच लूंगी। तो ये 3 इंच एक्स्ट्रा है, 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा, 1 इंच जो प्रिंसेस कट का पॉइंट है वहां पर रहेगा। तो अभी इसकी मुद्दे की गुलाई देते हैं हम 1.5 इंच और जो शोल्डर से क्रॉस में देते हैं वहां से देते हैं हम 1/2 इंच। तो इस तरह से इसको 1/2 इंच क्रॉस में करेंगे और मुद्दे की गुलाई इस तरह से लगानी है। अब मैं आपको बता सकती हूँ विदाउट कप्स के आप किस तरह से फिटिंग दें इसके। तो जो शोल्डर से लेके आप 10 इंच पे पॉइंट दें, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 10.5 या 11 इंच पे भी आप पॉइंट दे सकते हैं। तो मैं इसमें 10 पॉइंट पर जो 10 इंच लिया है शोल्डर से वहाँ पर पॉइंट दे रही हूँ और जो मैं यहाँ सेंटर से कट करूँगी वो 3 इंच ले रही हूँ। तो ये इस तरह से 3 इंच पर मैंने पॉइंट दे दिया और शोल्डर से 10 इंच पर मैं नीचे से भी 3 इंच ले रही हूँ और जो इसमें प्लेट डालूंगी वो 3 इंच की डालूंगी। तो इस तरह से मैंने 3 इंच ले लिया प्लेट के लिए। अभी जो ये पॉइंट दिए हमने, ये प्लेट का पॉइंट है, ये हमारा शोल्डर से सेंटर का पॉइंट है। अभी आपको मुड्डे से लेते हैं, हम मुड्डे से लेते हैं 6 इंच। अभी हमने जो पॉइंट दिए इन पॉइंटों को हम इस तरह से इनकी गुलाई करेंगे। तो जो ये पॉइंट है ये प्लेट का पॉइंट रहेगा, इसमें आप विदाउट कभी एकदम परफेक्ट फिटिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं इसमें 3 प्लेट डालूंगी, जैसे कि हमारा ये 1 प्लेट हमारा इधर हो जाएगा और जो ये सेंटर का है 1 प्लेट हम सेंटर में डालेंगे और जो हमारी फिटिंग साइड है 1 प्लेट हम उधर डालेंगे। तो जैसे मैंने ये प्लेट का भी निशान लगा लिया, जैसे कि ऊपर से लिया था वो सेम निशान पर हम प्लेट डालेंगे। आपको बताते हैं ये फिटिंग साइड से किस तरह देना है। तो इस तरह से आप जो फिटिंग हमारी साइड से आएगी उसका सेंटर ले लें, जैसे 9 इंच है तो आप 4 इंच पे प्लेट डालते हैं यहाँ पे और जो प्लेट डालें वो 4.5 इंच लंबी डालते हैं और जो ये प्लेट डालेंगे इसको आप 2.5 इंच डालें। 2.5 इंच सेंटर से, साइड से 4 इंच लिया हमने मुड्डे की तरफ से और नीचे से एक प्लेट लिया है। तो अभी आपको इस तरह सेम ड्रॉ पर कट करना बताती हूँ और उसके बाद हम नेक कट करेंगे। इस पीस को मैं अभी कट नहीं कर रही क्योंकि मुझे लाइनिंग कट करना है, उसके बाद ही इसको कट करूंगी।
और मैंने ये क्रॉस में भी कट नहीं किया है क्योंकि सेम ड्राफ्ट रख के मैं बैक पीस कट करूंगी, उसके साथ में इसको कट करूंगी। तो आप इसके जैसे मैंने यहाँ पर फ्रंट पीस निकाला, उसके अपोजिट ही बैक पीस निकालूंगी। तो आप इस तरह से इस ड्राफ्ट को इस तरह से रख लें, जैसे देख लें आपका शोल्डर बराबर आ रहा है, जैसे कि मेरा ऊपर तक शोल्डर बराबर आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको सेम ड्राफ्ट पे रख दिया है। जैसे मैंने इसमें 3 इंच लिया था, नॉर्मल बैक साइड में मैं 2 इंच लूंगी, तो आप 1 इंच को आप इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर दें। फोल्ड करके आप इस तरह से चौक से निशान लगा दें। मैंने इसमें फ्रंट में भी 2 इंच लिया था, नॉर्मल हम 1 इंच लेते हैं, तो आप 1 इंच नीचे भी इसमें इस तरह से फोल्ड कर दें। तो आप देख सकते हैं मैंने वन साइड में 1 इंच कम कर दिया जो कि फिटिंग में जाएगा, और 1 इंच मैंने नीचे में कम कर दिया। सेम ड्राफ्ट में इसको कट करती हूँ। अभी जैसे मैंने ये कट कर लिया, तो अभी इसको हम जो शोल्डर से हमको क्रॉस में कट करना है उसको कट करते हैं। तो अभी ये दोनों पीसों को आप इस तरह से रख लें बराबर करते हुए। जैसे मैंने ये निशान लगाया है क्रॉस में, इसको भी मैं कट कर देती हूँ। तो ये आगे पीछे मैंने दोनों पीस रख लिए, दोनों पीसों को एक साथ कट कर देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर कट कर दिया। अभी मैं आपको इसके नेक में नेक्स्ट कट करूंगी। सबसे पहले हम स्लिप कट कर लेते हैं। तो जैसे ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से मैं स्लिप निकालूंगी। तो जो ये डबल फोल्ड है, इसको मैं फोर फोल्डिंग करती हूँ। इस तरह से मैंने फोर फोल्ड कर लिया। स्लीव लेंथ है 4 इंच है, और इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही सिलाई मारने, तो मैंने 5 इंच लिया। आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कम पड़ेगा, ये 7 इंच है और मुझे ये 8.5 इंच चाहिए तैयार ना, तो इसमें मैं 1.5 इंच की जो हमारा कटिंग का पीस बचेगा यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर लूंगी। तो जो हम यहाँ से कटिंग देंगे वो थोड़ा कम में देंगे क्योंकि हमको पीस भी कट ज्वाइंट करना है, उसके बाद फिर सेप देंगे। तो यहाँ से मैं 4 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से मैंने मेजरमेंट कर लिया है शोल्डर का। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको निशान लगा देंगे। अभी सेम पॉइंट पे इसको कट करेंगे। अभी वन साइड जॉइंट है, इसको भी हम कट करते हैं। अभी मैंने बताया जैसे यहाँ पर क्लॉथ कम है, तो जैसे हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है, तो हम इस कपड़े को इस तरह से रखें। तो 8.5 इंच मुझे साइज के अनुसार चाहिए, और उसके बाद मुझे 1.5 स्टिचिंग के लिए चाहिए। तो मैंने ये 10 इंच लिया है। अभी इसकी जो मोहरी है वो है 13 इंच है, तो जब मैं इसको तैयार करूँगी तो 6.5 इंच आएगा, और इसमें 1.5 इंच की मैं इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो 8 इंच ले रही हूँ। तो आप इस पीस को इस तरह से रख लें। अभी हम इसके नीचे जितना हमको शेप देना है नॉर्मल स्लिम में देते हैं, उसी हिसाब से इसके शेप देंगे। तो जी नीचे मुझे रखना है, मैं 2 इंच ले रही हूँ, और 2 इंच से इसकी गोलाई दे रही हूँ। तो जब आप स्टिच करेंगे तो पहले इसको स्टिच कर लें, तो आपकी स्लिप इस तरह से तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको इसकी नेक कटिंग बताती हूँ, क्योंकि मैंने बैक फ्रंट स्लिप सभी कट कर लिया है। अभी नेक कट करते हैं। तो फ्रंट नेक है 4 इंच, और 1/2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन। आप इसको कम ज़्यादा रख सकते हैं, मैं बोर्ड से थोड़ा सा डीप रख रही हूँ नीचे साइड में, और जो इसके नीचे का ले रही हूँ मैं 4 इंच ले रही हूँ, शोल्डर से भी 4 इंच। इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूंगी।
और इसकी गुलाई दूंगी मैं 1.5 इंच की दूंगी। तो जो मैंने ड्रॉ किया है इस ड्रॉ पर मैं इसको कट करती हूँ, और जो मैंने प्रिंसेस कट का ड्रॉ किया है इसको भी कट करती हूँ। मैंने ये पीस कट कर लिया। अभी जो ये प्लेट है इसको भी हम कट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज इस तरह से कंप्लीट हो गया। जो मैंने एक प्लेट डाल दी है तो इसमें आपको कप भी नहीं डालने, और जो आपकी फिटिंग आएगी वो एकदम परफेक्ट आएगी। तो जैसे कि ये मैंने कट कर दिया है। अभी आपको बैक का नेक डिजाइन कटिंग बताती हूँ। जो बैक नेक है मैं उसको भी बोट नेक बना रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी नेक इसमें बना सकते हैं। तो शोल्डर से भी 4 इंच, और जो इसकी मैं गहराई ले रही हूँ वो 3.5 इंच ले रही हूँ। तैयार में ये 3 इंच रहेगा, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर पे स्टिचिंग में चला जाएगा। फिर से 4 इंच, इसको इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। इसकी जो गुलाई देंगे 1.5 इंच की। हमारा ये नेक इस तरह से कट हो जाएगा। तो सेम ड्रॉप हम इसको कट करते हैं। अभी आपको बताते हैं बैक पीस में आपको प्लेट डालने का तरीका। तो आप सेंटर से 4 इंच ले, जो ये हुक पट्टी का सेंटर है, और जो प्लेट लंबी डालनी है वो 5 इंच लंबी डालें। 5 इंच लंबी में प्लेट डाल दी है। अब दूसरा प्लेट डालने के लिए आप यहाँ पर एक कट दे दें, जैसे कि आप दूसरी साइड में भी आसानी से प्लेट डाल सकते हैं। अभी मैं आपको उसका सिलने का मेथड बताती हूँ। तो जैसे मैंने ये पीस है और लाइनिंग भी मैंने कट कर लिया है, तो आप लाइन पहले सबसे पहले आप लाइनिंग के साथ इसको स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद आप लेफ्ट साइड हुक काज पट्टी, राइट साइड हुक पट्टी लगा लें, जैसा कि हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं। वो सब लगाने के बाद आप इसमें 5 इंच लंबी प्लेट डालना। प्लेट डालने के बाद आप यहाँ पे जो हमने 1 इंच ही लिया है, क्योंकि वो स्टिचिंग में चला जाएगा, जो फोल्ड करने के लिए आप इसमें 1 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी लेके इनसाइड फोल्ड कर दें। उसके बाद आपका बैक पीस तैयार हो जाए। उसके बाद आप फ्रंट पीस का स्टिचिंग करें। तो जैसे ये सेंटर पार्ट है, तो आप इसको पहले लाइनिंग के साथ में अटैच कर लें। जैसे कि ये लाइनिंग के लिए मैंने सेम कट कर लिया है। इस तरह अब इसको चारों तरफ से लाइनिंग के साथ में स्टिच कर लें। उसके बाद हमारा जो साइड पीस है उसको भी अब इस तरह से स्टिच कर लें। जब आप इसको स्टिच कर लेंगे तो आपका जो नीचे का प्लेट है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, और साइड का पॉइंट का मैंने इसमें पॉइंट बताया आपको, तो आप सेम पॉइंट पे प्लेट डालें। और हमारा जो सेंटर का प्लेट है आप इसको भी इस तरह से पकड़ के यहाँ पर भी प्लेट डालें। तो आपका ये 3 प्लेट ब्लाउज तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप नेक पट्टी तैयार करें। नेक पट्टी मैंने क्रॉस कटिंग में कट की है, जैसे कि हम नॉर्मल कट करते हैं। जैसे मैंने क्रॉस में पट्टी कट की है, जो जिसका बचा हुआ कपड़ा था, तो इन पट्टियों को आप इस तरह से ज्वाइंट करें। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से क्रॉस में ज्वाइंट किया है। आप सारी पट्टियाँ इसी तरह ज्वाइंट कर लें। ज्वाइंट करने के बाद इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लें, और उसके बाद आप आगे पीछे दोनों शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद आप बैक साइड नेक से इस तरह से आप स्टार्टिंग में पूरा राउंड में स्टिच कर दें। उसके बाद जो मैंने ये स्लिप कट की थी और बताया था मैंने ये जॉइंट आ रहा है, तो आप सबसे पहले ये जॉइंटों को इस तरह से जॉइंट कर लें। और उसके बाद आप अगर इसमें एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो इसी में एक्स्ट्रा रखें। अगर आपने एक्स्ट्रा नहीं रखा है इसमें, तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा रहता है वो पट्टी ले लें, और एक किनारे पर स्टिच करके और इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके आप यहाँ पर तुरपाई कर लें। तुरपाई करने के बाद अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें 1/2 इंच हमको एक्स्ट्रा कट करनी है। तो सबसे पहले आप ये पीस ज्वाइंट करने के बाद इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करें, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा आगे पीछे। तो 1/2 इंच इस तरह से आप पॉइंट दे दें, और जब आप इसको कट करें तो आप ये ध्यान में रखें जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से आपको कट नहीं किया है।
जो हमारा तैयार में आ रहा है वहां से आप इसको इस तरह से कट करें। अब इस पॉइंट पर कट करने के बाद आप इसको ज्यादा जो हमने कट किया है ये फ्रंट में आना है, जो कम कट किया है वो बैक में जाना है। तो आप स्लीव को इस तरह से इसमें लगा दें, इस तरह से, और इसी तरह आप दूसरा स्लीव भी तैयार कर लें। उसके बाद जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन, सेम मार्जिन पर आप इसकी फिटिंग दे दें, तो उसके बाद आपका ब्लाउज पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई के वीडियो मैंने कई अपलोड किए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको सिलने में इजी रहेगा। इस ब्लाउज के स्टिचिंग में भी आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।